हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि वीमेट में अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। तो अकाउंट मास्टर क्लिक करने के लिए आपको शॉर्टकट की होगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्लिक करते ही आपको अकाउंट मास्टर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से एक और ऑप्शन है, आप अकाउंट मास्टर को ओपन कर सकते हो। आपके मेन्यू बार में आप देख सकते हो अकाउंट है, अकाउंट ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अकाउंट मास्टर दिखाई देगी, अकाउंट मास्टर को क्लिक कीजिए। अकाउंट मास्टर को क्लिक करते ही वही सेम अकाउंट मास्टर की विंडो ओपन हो जाएगी। एक और तरीका है शॉर्टकट की, जो आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो आपके कस्टम टूल बार पे अकाउंट ऑप्शन है, इस अकाउंट को क्लिक कीजिए, अकाउंट मास्टर विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से आप एक अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐड बटन है, ऐड बटन का शॉर्टकट की होगा F5। तो F5 आपका शॉर्टकट की होगा, F5 को क्लिक कीजिए। अकाउंट नेम, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन पार्टी का नाम क्रिएट करना है, तो आप अपने पार्टी का नाम यहाँ पे ब्लूम मार्ट, मैं यहाँ पे ब्लूम मार्ट दे रही हूँ। ओके, पार्टी का नाम मतलब अगर आप एक सप्लायर को क्रिएट करना चाहते हो तो आप सप्लायर को क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप सेल्स इनवॉइस बना रहे हो किसी के नाम से, क्रेडिट बिल बनाना चाहते हो तो आप उनके नाम हिसाब से उनका अकाउंट नेम क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होगा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर मतलब एक उस पार्टी के आप अकाउंट नंबर मेंशन करना चाहते हो तो अकाउंट नंबर यहाँ पे डिटेल एंटर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। इसी तरह से अलियास नेम, अलियास नेम मतलब अल्टरनेट नेम फॉर योर अकाउंट नेम, मतलब ब्लूम मार्ट को आप अलियास नेम देना चाहते हो, अपने हिसाब से किसी अल्टरनेट नेम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो आप अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप के आगे आप देख सकते हो सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर आप स्पेस बार दीजिए कीबोर्ड पे तो आपको लिस्ट ऑफ अंडर ग्रुप्स दिखाई देंगे। तो सिंस मेरा ब्लूम मार्ट एक सप्लायर है तो मैं यहाँ पे फंडर क्रेडिटर्स के ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आपका ब्लूम मार्ट एक सेल्स पार्टी है तो आप फंडर डेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, अगर ये एक पार्टी टैक्स ऑप्शन है, टैक्स के अंडर इंक्लूडेड होता है, मतलब टैक्स फाइलिंग के लिए ज़रूरी है या नहीं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नो है तो नो दे सकते हो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन होगा ब्लॉक नेगेटिव ट्रांजैक्शन फॉर दिस अकाउंट, मतलब नेगेटिव ट्रांजैक्शन करने से ब्लॉक करना है या नहीं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन होगा ब्लॉक ट्रांजैक्शन ओवर द बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट, मतलब एक लिमिट होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50,000 के हिसाब से यहाँ पर ब्लॉक करना चाहते हो, 50,000 के आगे इस पार्टी को बिल नहीं करना है, मतलब ये आप ब्लॉक कर सकते हो, ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा ट्रांजैक्शन करेंसी, मतलब इंडियन रुपीस में आप बिल करना चाहेंगे, अगर आप फॉरेन करेंसी में बिल करना चाहेंगे तो फॉरेन करेंसी का आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सचेंज रेट उसी हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। बैलेंस लिमिट मतलब आप बैलेंस लिमिट ब्लॉक ट्रांजैक्शन फॉर द बैलेंस लिमिट, आप अगर आप ये ऑप्शन इनेबल करेंगे तो कितने लिमिट के अंदर बिल करना है ये आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। अगर इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है, मतलब उनका इतना पेमेंट बाकी है, अगर आप ओपनिंग बैलेंस में मेंशन करना चाहते हैं तो ओपनिंग बैलेंस पे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस बुक होगा, एड्रेस बुक मतलब जो पार्टी के हिसाब से आप नाम क्रिएट करते हैं ब्लूम मार्ट, वही सेम नाम यहाँ पे देना है, ये बिल प्रिंट के लिए वगैरह आपको ऑप्शन इजी हो जाएगी। ओके, तो उस पार्टी के आप एड्रेस देना चाहते हो तो एड्रेस दे सकते हो। ओके, उसी तरह से सिटी, पिन कोड एंड स्टेट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दस ये हो गया मेलिंग एंड एड्रेस डिटेल्स। उसी तरह से आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट पर्सन एंड नंबर्स, मतलब इस अकाउंट के आप कॉन्टैक्ट पर्सन के डिटेल्स मेंशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए, मोबाइल नंबर या फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज, यूआरएल कुछ देना चाहते हैं यहाँ पे एंटर कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन होगा एरिया एंड डिलीवरी डिटेल्स, मतलब जहाँ पे आप ये डिलीवर देना चाहते हो उस एरिया के आप डिलीवरी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टेट कर्नाटका है तो कर्नाटका मैंने यहाँ पे स्टेट के आगे मेंशन किया है। सिटी, पिन कोड, डिलीवरी एड्रेस सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होगा टैक्स, बैंक अकाउंट एंड अदर डिटेल्स, मतलब इस पार्टी के आप GSTN नंबर यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, तो GSTN नंबर यहाँ पे टाइप करते ही
आपको जीएफई ट्रेंड टाइप ऑप्शन नेक्स्ट है यहाँ पे, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड एंड कॉम्पोविट। मतलब इस पार्टी में अगर ये पार्टी हमारा अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज अगर ये रजिस्टर्ड जीएफटी रजिस्टर्ड पार्टी है तो रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर दीजिए, अगर ये कॉम्पोविट डीलर है तो कॉम्पोविट डीलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। इसी तरह से इसी पार्टी के बैंक अकाउंट डिटेल्स कुछ आप एंटर करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट डिटेल्स, बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट। नेक्स्ट, सेंड SMS एंड सेंड ईमेल। अगर आप इस पार्टी को मेल या SMS भेजना चाहते हो तो ये ऑप्शन इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे चेक मार्क दे के ओके क्लिक कीजिए। ये हो गया आपके एड्रेस बुक डिटेल्स। तो आपको सेव करने के लिए F8 ऑप्शन है शॉर्टकट की, तो यहाँ पे दे सकते हो सेव। ओके, सेव करते ही ये पार्टी के अकाउंट डिटेल्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अगर आप एडिट मतलब कोई चेंजेस करना चाहते हो, एक बार एंटर किया है ऑलरेडी या फिर कुछ गलती हुई है तो एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन है। एडिट ऑप्शन के लिए F6 होगा शॉर्टकट की, F6 क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो अकाउंट नेम या फिर अकाउंट नंबर में, आप एडिट क्लिक कीजिए, चेंजेस कर दीजिए और सेव कीजिए। ओके, इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो एक पार्टी को। डिलीट करने के लिए एक नोट कीजिए कि ऑलरेडी अगर इस पार्टी को आप बिल आपने बिल किए हैं तो आप डिलीट नहीं कर सकते इस पार्टी को, ठीक है। इसी तरह से सर्च ऑप्शन है यहाँ पे, सर्च के लिए F2 ऑप्शन हमारा शॉर्टकट की है। सर्च क्लिक करते ही आपको यू नो नंबर ऑफ आपने जितने भी पार्टीज क्रिएट किए हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो आपको किसी पार्टी को सर्च करना है उनके नाम के हिसाब से, तो आप उनके नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ब्लूम को सर्च कर रही हूँ तो ब्लूम सर्च हो रहा है। इसी तरह से कोई और पार्टी मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं उस पार्टी को यहाँ पे सर्च करते ही वो लोड हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा अकाउंट का ऐड, एडिट एंड डिलीट ऑप्शन। इसी तरह से आप इस पार्टी को यू नो लिस्ट ऑफ पार्टीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इम्पोर्ट भी कर सकते हो, एक्सेल के हिसाब से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी कर सकते हो। तो आपको एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की वीडियोज़ में डिटेल्स नजर आएंगी। नेक्स्ट होगा हमारा सेटिंग्स ऑप्शन। सेटिंग्स ऑप्शन क्लिक करते ही कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन दिखाई देगी आपके, कॉन्फ़िगरेशन क्लिक कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड होगा मतलब आप कोई भी यहाँ पे फील्ड इनेबल करना चाहते हो तो शो एंड हाइड फील्ड होता है, तो कोई फील्ड आप नहीं दिखाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसी तरह से सर्च का सेटिंग्स भी यहीं पे होता है, तो सेटिंग्स करते ही सेव बटन क्लिक कीजिए। सेव क्लिक करते ही सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट। अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट मतलब यहाँ पे कोई पार्टी आपने लोड किया है एंड इस पार्टी के आप डिटेल्ड रिपोर्ट देखना चाहते हो तो ये अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट क्लिक कीजिए। ये एक और शॉर्टकट की इस पार्टी की डिटेल्ड रिपोर्ट देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेटिंग्स ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन क्लिक करते ही आप यहाँ पे पूरे अकाउंट डिटेल्स मतलब जितने भी सारे आपने अकाउंट डिटेल्स आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं एक साथ आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हर कोई अकाउंट जो भी आपने बीमेट में क्रिएट किए हैं एक साथ नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन भी होगा अपने हिसाब से, मतलब क्रेडिटर्स या डेटर्स जिसको आप फ़िल्टर करके देखना चाहते हो उन फिल्टर पार्टी को आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंगल ऑप्शन होगा, ये सिंगल ऑप्शन को क्लिक करते ही सेम सिंगल विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा सिंगल एंड टेबल व्यू। एंड नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल अकाउंट डिटेल। मतलब ये पर्सनल अकाउंट डिटेल आपको अगर रेफरर मेंशन करना है इस पार्टी के लिए, रेफरर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए रेफरर का ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, तो ये रेफरर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप डिस्काउंट देना चाहते हो इस पार्टी को तो डिस्काउंट मेंशन करना कर सकते हैं। क्रेडिट डेज की ऑप्शन है, तो ये सब आपको यहाँ पे पर्सनल अकाउंट डिटेल के विंडो पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट मास्टर विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट की होगा F4 क्लोज बटन, तो क्लोज बटन क्लिक कीजिए। तो बीमेट में कोई भी विंडो क्लोज करनी है क्लोज आपकी शॉर्टकट की होगी F4, F4 क्लिक कीजिए, यहाँ पे अकाउंट मास्टर विंडो क्लोज़ हो जाएगी। कोई और आपको डिटेल्स या क्लैरिफिकेशन हैं अकाउंट मास्टर या बीमेट में, आपको यहाँ पे हेल्प बटन दिखाई देगी, हेल्प में क्लिक कीजिए। अबाउट सारा बीमेट में
आपको यहाँ पे कस्टमर केयर की नंबर दिखाई देगी, कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑनलाइन टिकट भी रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट रजिस्टर करते ही, सबमिट करते ही आपको रिप्लाई आ जाएगी हमारी कस्टमर केयर से। ओके, ये हो गया हमारा अकाउंट मास्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।